हे गाइस, वेलकम टू मॉडर्न किचन। मैं हूँ आस्था। तो आज हम बनाएंगे मिर्ची फ्राई, जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मिर्ची फ्राई बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम हरी मिर्ची ली है और मैंने इसके डंठल को हटा दिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है और साफ कपड़े से पोंछ लिया है। तो अब हम इन्हें बीच से इस तरह से स्लिट करेंगे। जो मिर्ची ज़्यादा बड़ी है उसको इस तरह से बीच से दो टुकड़ों में काट दीजिए और सारी मिर्ची को इस तरह से बीच से स्लिट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा तीखी मिर्ची ली है। आप चाहे तो कम तीखी जो मोटी वाली मिर्ची आती है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सारी मिर्ची मैंने रेडी कर ली है, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो मैंने एक पैन को मीडियम लो फ्लेम पे रखा है और इसमें मैंने डाला है 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, बट सरसों का तेल ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच सरसों, आप चाहे तो पीली सरसों भी ले सकते हैं। 1/2 छोटे चम्मच जीरा डालेंगे। अब हरी मिर्ची डाल देंगे इसमें और 3-4 मिनट तक इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मिर्ची अब अच्छे से फ्राई हो गई है, ये देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है। इस तरह से आपको ये फ्राई कर लेनी है। मिर्ची को आप इससे ज़्यादा फ्राई मत करिए, नहीं तो इनका क्रंचीनेस खत्म हो जाएगा, जो अच्छे नहीं लगेंगे। अब डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, 1 चम्मच सौंफ पाउडर। मिक्स कर देंगे इनको हम अच्छे से। अब हम डालेंगे इसमें नमक, नमक आप थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें। मिक्स कर देंगे, 2 चम्मच लेमन जूस डाल देंगे। लेमन जूस डालने से इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर आ जाएगा, जिससे जो मसाले हैं अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो गैस का फ्लेम आप बिल्कुल लो कर दीजिए। अब डाल देंगे गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, ये ऑप्शनल है। अब बस इसको 1-2 मिनट और पकाइए और गैस को ऑफ कर दीजिए। तो मिर्ची फ्राई अब पूरी तरह से रेडी है। इसे आप किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिए और 10 से 15 दिन अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे आप रोटी, पराठा या फिर नान के साथ खा सकते हैं। इसके साथ आपको सब्जी की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मॉडर्न किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें।